कमाहा के इलाके में स्टेट लाइफ सोसाइटी में सफाई के दौरान तीन मजदूर दम घुटने से हलाक हो गए। इस बारे में मजीद जान लेते हैं अरसलान हैदर से। अरसलान हैदर, बताइए इस बारे में। इलाका में वाकया सोसाइटी में जो है वो नाले की सफाई के दौरान तीन अफराद जो थे वो नाले में गिर गए, जिसकी वजह से तीनों अफराद जो थे वो जांबाज हो गए। रेस्क्यू को इतला मिलने पर रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंची, जिन्होंने तीनों अफराद को मुर्दा हालत में बाहर निकाला। हलाक होने वालों में 28 साल बूटा और 30 साल इमरान शाह और 24 साल शहजाद जो है वो शामिल है। इनकी जो शनाख्त है ये इन तीन नामों से हुई है और उसके बाद इन तीनों अपराध को रेस्क्यू ने जो मुकामी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। पुलिस भी मौके पर पहुंच चुकी है और वाकया की मजीद तहकीकत की जा रही है कि आखिर ये मामला कैसे पेश आया। वहां पर मौजूद जो है चाहे तीन थे, उनका कहना है कि ये तीनों अपराध जो थे ये सोसाइटी का जो ड्रेन था उसकी सफाई कर रहे थे और वो ड्रेन काफी गहरा था, जिसके दौरान अचानक तीनों अपराध बीच गिर गए, जिनमें से दो अपराध को पहले रेस्क्यू किया गया और दोनों अपराध को मुर्दा हालत में निकाला गया। और फिर जो तीसरा शख्स था जिसका जो नाम है इमरान बताया जा रहा है, वो भी काफी ज्यादा उसको तीसरी सबसे लास्ट में निकाला गया, जिसके बाद वो भी दम तोड़ चुका था। अब पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जो है तीनों अपराध का डाटा जो है वो कलेक्ट कर लिया और इनके लवाई टीम से राबता करने की कोशिश की जा रही है। ये तीनों अपराध दूसरे शहर से जो है यहाँ पर आए हुए थे और मेहनत मजदूरी कर रहे थे और तीनों मजदूर जो थे वो गिर कर ड्रेन में जाम बाग हो चुके हैं। जी शुक्रिया अरसलान हैदर, तफसीलात से आगाह किया।